आज के समय में बायोस्टिमुलेंट का उपयोग इसमें बहुत कारगर है और इसका उपयोग करके हम फूलों को झड़ने से रोक सकते हैं और फलों को प्रेरित कर सकते हैं। आज का वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो सब्जी की खेती कर रहे हैं, जैसे कि मिर्च की खेती, बैंगन खेती, टमाटर की खेती या फिर खीरा या फिर तरबूजे की खेती कर रहे हैं। दोस्तों, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है कि हम मिर्च लगाए हैं और या फिर टमाटर लगाए हैं तो उसमें जो फ्लावर है यानी कि फूल आता ही नहीं है, या फिर अगर फूल आता है तो तुरंत झड़ जाता है, उसमें फल नहीं लगता है। ये समस्या आ रही है और इसके साथ यही समस्या तरबूज या फिर खीरे में भी आ रही है कि उसमें फ्लावर तो आता है लेकिन उसमें फल नहीं बनता है या फिर उसमें तो फूल आता ही नहीं है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये उन सभी किसान भाइयों के लिए उपयोगी है जो सब्जियों की खेती करते हैं या फिर जो लोग किचन गार्डन में सब्जियां उगाते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका कारण क्या है। अगर हमको कारण पता होगा तो हम उसका सॉल्यूशन जल्दी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कारण के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण तो मैं ये देखता हूँ आजकल कि ये है कि लोग मार्केट जाते हैं और वेराइटीज बिना देखे ऐसे ही उठा के ले आते हैं। ऐसा गाँव में अक्सर होता है कि हम बाजार में जाते हैं और बिना किसी वेराइटी जाने, मतलब ये कौन सा वेराइटी है और कहाँ के लिए सुटेबल है, हम उठा के ले आते हैं और नर्सरी तैयार करके फिर से लगा देते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करना, हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा वेराइटी लेके आ रहे हैं और ये किस्म जो है हमारे यहाँ सुटेबल है या नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो आसपास जो किसान अच्छे से खेती कर रहे हैं तो उनसे पूछ लीजिए कि तुम जो खेती कर रहे हो मिर्च का, तो आपने कौन सा वेराइटी यूज किया है, तो हम वही वेराइटी आप भी लेकर आए। तो सबसे पहला समस्या यही होता है कि किस्म ऐसा होता है या फिर किस्म हमारे यहाँ के लिए सुटेबल नहीं होता है। जहाँ हम खेती कर रहे हैं वहाँ के वातावरण और वहाँ के सॉइल के लिए वो सुटेबल नहीं होता है, इसलिए प्रॉब्लम आता है। दूसरा कारण ये होता है कि आजकल दोस्तों हम बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर हो चुके हैं और उससे हमें तीन कंपोनेंट मिलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो नहीं मिल पाता है। और साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के कारण जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि अन्य पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं वो खत्म हो जाता है। तो मिट्टी में क्या होता है, पोषक तत्वों का कमी हो जाता है। तो दोस्तों, पूरी तरह से अगर रासायनिक उर्वरकों पर आप निर्भर हो जाएंगे तो बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों का कमी हो जाता है मिट्टी में। तो इसके लिए आपको सड़े हुए गोबर खाद का उपयोग करना चाहिए और या फिर कार्बनिक उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। यदि हम कार्बनिक उर्वरकों का उपयोग करेंगे तो मिट्टी का जो कंपोजिशन है यानी कि उसका जो बनावट है वो सुधरेगा और उसमें पानी ज़्यादा न तो रुकेगा और न ही उसमें पानी जल्दी सूख जाएगा, तो उसमें जल का मात्रा मेंटेन रहेगा और साथ ही साथ पोषक तत्व भी पूरा मिलेगा। और तीसरी एक समस्या होती है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा लगातार धूप पड़ने के कारण जो मिर्च का जो फूल होता है वो झड़ने लगता है, या फिर बहुत दिनों तक, 6-7 दिनों तक अगर लगातार बारिश होती है तो उसमें भी फूल झड़ता है, या फिर कभी कभी बहुत दिनों तक बादल रहता है तो भी उसका जो फूल है वो झड़ता है। तो ये मुख्य तीन प्रकार की समस्याएं जो है जनरली आती हैं इस कारण से, जो फ्लावर होता है या फूल होता है वो झड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि इसका उपाय क्या है। दोस्तों, आज के समय में सबसे इसका जो अच्छा उपाय है वो है बायो स्टिमुलेंट का उपयोग करना। साथ में मैं जो अभी पीछे बताया कुछ सावधानियां रखनी है, जैसे कि पूरी तरह से रासायनिक उर्वरकों का के ऊपर निर्भर नहीं रहना है और साथ ही साथ अच्छे किस्म का चयन करना है। आज के समय में बायो स्टिमुलेंट का उपयोग इसमें बहुत कारगर है और इसका उपयोग करके हम फूलों को झड़ने से रोक सकते हैं और फलों को प्रेरित कर सकते हैं। तो इसके लिए बाजार में आपको बहुत सारे बायो स्टिमुलेंट मिलेंगे जिनका उपयोग आपको करना चाहिए। इससे आपके जो मिर्च हैं उसमें फूलों का झड़ना बंद हो जाएगा, या फिर अगर उसमें फूल नहीं आ रहा है, वो काफ़ी बड़ा हो चुका है पौधा और फिर भी उसमें फूल नहीं आ रहा है, तो उसमें फूल भी आएगा और फूल आने के बाद झड़ेगा भी नहीं। और इसका 2 बार उपयोग किया जाता है जनरली, एक बार तब जब उसमें फूल आने वाला होता है और दूसरी बार उस समय जब उसमें फल आने वाला होता है। तो 2 बार अगर आप उपयोग करते हैं तो फ्लावरिंग भी अच्छा आएगा और फ्लावरिंग आने के बाद उसमें फल भी अच्छा लगेगा।
और इसमें आप टमाटर के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं, बैंगन के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ खीरा या फिर जो तरबूज होता है उसमें भी इसका उपयोग बहुत ही कारगर है। तो दोस्तों ऐसा बहुत सारा बायोस्टिमुलेंट है जिसमें से मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ। जैसे कि आजकल मार्केट में एक विंची विन नाम से एक दवाई है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और ये नाथ बायोजन लिमिटेड नाम का एक कंपनी है जिसके द्वारा बनाया गया है। और दोस्तों ये 5 ml का एक डब्बा होता है जो 50 रुपये में आता है, और उसे आप 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे ही एक और दूसरा है धनजयन नाम से एक प्रोडक्ट आता है, उसका भी 5 या 10 ml का ही होता है और ये 70 रुपये का आता है। और इसका भी अगर विंची विन आपको नहीं मिलता है तो धनजयन नाम से एक प्रोडक्ट आप उपयोग कर सकते हैं, और अगर ये दोनों ही आपको नहीं मिलता है तो एक बायोवीटा नाम से प्रोडक्ट आता है जो 200 ml का एक डब्बा होता है, और ये 100 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा। दोस्तों ये 2-3 नाम बताए, इसके अलावा भी और भी बायोस्टिमुलेंट होते हैं, इसमें जो भी अच्छा हो आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो खेती करते हैं लेकिन उन्हें बायोस्टिमुलेंट के बारे में नहीं पता है, और आज के समय के लिए ये बायोस्टिमुलेंट बहुत कारगर है और बहुत अच्छा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि केमिकल कंपाउंड है, इसमें नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं जो पूरी तरह से हमारे लिए सेफ होते हैं। इनके उपयोग से हमारे हेल्थ पर कोई डिफेक्ट नहीं आएगा और हमें इसका कोई खराब प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, तो इसलिए हम बायोस्टिमुलेंट का उपयोग कर सकते हैं। और इसके उपयोग के द्वारा हम अत्यधिक जो रासायनिक उर्वरक हैं उनके उपयोग से भी बच सकते हैं, क्योंकि किसान भाई कई बार फ्लावरिंग नहीं आने के कारण या फल नहीं लगने के कारण जल्दी से उसमें फर्टिलाइजर का उपयोग कर देते हैं, यूरिया DAP ये सब का उपयोग कर देते हैं। अधिक फर्टिलाइजर अगर आप सब्जियों में डालेंगे तो उससे क्या होगा कि उसमें कीड़े ज़्यादा लगेंगे, इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमें अधिक यूरिया का उपयोग अपने सब्जियों में अपने फसलों में नहीं करना है। कई बार किसानों को पता नहीं होता है कि अधिक यूरिया के उपयोग करने से कीड़ों का लगना बढ़ जाता है, इसलिए हमें अधिक यूरिया का उपयोग नहीं करना है। यूरिया का उपयोग जो है सीमित मात्रा में करें, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप रासायनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी उपयोग ना करें, उनका भी उपयोग आज के समय के लिए जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या जैविक उर्वरकों का उपयोग भी करना चाहिए। और साथ ही साथ जो सूक्ष्म जीव हैं जो जमीन में पाए जाते हैं, जो पौधों के लिए लाभदायक होते हैं, जो बहुत सारे पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं, उनकी संख्या भी लगातार बनी रहे। दोस्तों बायोस्टिमुलेंट का उपयोग आप डायरेक्ट पौधे के ऊपर भी कर सकते हैं और सॉइल में भी कर सकते हैं। दोस्तों और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके द्वारा हम अच्छी उत्पादन ले सकते हैं, तो आने वाले वीडियोज में हम इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियोज पाने के लिए आपको हमारे जो चैनल उसको सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना होगा। इससे क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन अगली बार हमारे वीडियो अपलोड करने के बाद आएगा वो आपके स्क्रीन में आएगा, इससे आप वीडियो को देख सकते हैं और अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं।